प्रदेश के मुखिया और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मुलायम सिंह यादव अब्बाजान कहकर संबोधित किया था। इसी के बाद अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जवाबी हमला बोल रहे हैं। लखनऊ महान दल के कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव हमलावर अंदाज में नजर आए और महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार गंभीर आरोप भी लगाई। पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। हम आप सब पिछड़े हैं, हम तो केवल हक और सम्मान मांग रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, मंडल कमीशन के तहत जो हमें हक मिला, या और हमारे जो पुराने चीजें, ये कहीं नहीं हो सकता, ये कोई कर सकता है तो ऐसे कलयुगी लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और ये जो धर्म, क्या धर्म पे अपनी इतनी बातें कहते, बताओ, हमने आपने महाभारत रामायण देखी है, महिलाओं का अपमान किसने किया था, सीता माँ का अपमान किसने किया था, द्रौपदी का अपमान किसने किया था, और जिन्होंने अपमान किया था उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ था बाद में। इसलिए अगर इन्होंने महिलाएं बहनों को अपमानित किया है तो यही जनता एक दिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखा।